न्यूरॉन्स की जो कम्युनिकेशन है, एक मिनट, ग्रेट, यहां से आपके न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। कैसे होती है? आपके कॉन्शियस माइंड को पता है आपको क्या चाहिए। एक बच्चे को पता होता है उसे क्या चाहिए, टॉफी चाहिए तो चाहिए, बस बात खत्म हो गई, वो एक प्लेजर है छोटा सा। ओके, आपको क्या चाहिए ये आपको पता है, आपके न्यूरॉन्स को पता है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि वो क्या चीज है ना, बस जिद है, देखा है, क्योंकि ये फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं है उसका। बच्चों का जनरली जो होता है वो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, जो देख रहे हैं वही सही है। अब क्या है, कॉन्शियसली उनको पता है उन्हें क्या चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली उनको नहीं पता कि इस चीज से कितना नुकसान भी हो सकता है। मैं बच्चों का इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि आप लोग शुरू से अगर ये चीज समझेंगे ना, तो आपको अपनी लाइफ को देखने में इजी हो जाएगा कि हम कहाँ गलतियां करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम खुद अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला यही होता है कि कॉन्शियस को पता है, अनकॉन्शियस आपके सब कॉन्शियस को नहीं पता है। प्रॉब्लम फिजिकली दिख रहा है कि आप देख रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपने कुछ देख लिया, ऐसा चलो कोई एक्सीडेंट देख लिया है ना, तो वो एक्सीडेंट देखकर आपने, आपके कॉन्शियस माइंड ने देख लिया, अरे एक्सीडेंट हुआ, उधर नहीं जाना है, वहां एक्सीडेंट हुआ। सबकॉन्शियस माइंड को उसका पेन नहीं पता है। बच्चा होता है, आग होती है, आग के बारे में उसको कुछ नहीं पता है, उसके कॉन्शियस माइंड को बस ये पता है ये आग है। हाथ डालेगा तो उसका फीलिंग आएगा, तब उसको समझ आएगा कि भैया सब, तब सबकॉन्शियस माइंड में वो रीड हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निक्स होती हैं कि आप जो सबकॉन्शियसली देख रहे हो उसको आप किस लैंग्वेज में अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाओ। और ये जो लैंग्वेज है ये है एनएलपी। मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज कर रही हूं यहां पर, और सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ जाए कि एनएलपी होता क्या है। कॉन्शियसली आपने जो देखा, आपने आसपास समझा, सीखा, उसको जब आप सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं अपने, तो वो एक लैंग्वेज का प्रोसेस है वहां पर, और वो जो लैंग्वेज का प्रोसेस है उसको एनएलपी कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स। क्लियर? नाउ अब एक चैलेंज और होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे ने अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें गैदर कर ली, कहां से क्या क्या लिया, बहुत कुछ लिया। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड में उसकी बैठा हुआ है ना बहुत सारी चीजें, वो कैसे पता चलेंगी कि क्या है? वो जब आगे कोई सिचुएशन आएगी तब वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना शुरू करेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक फनी सा एग्जाम्पल ले, फनी तो नहीं है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बट मुझे हंसी आती है हर बार ये सुन के और सोच के भी। कोई घर में आया फादर से मिलने, फादर नहीं मिलना चाहता, वो क्या करता है, बच्चे को बोलता है, बोल दे कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, होता है ना, ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत कॉमन चीज है। बच्चे ने क्या देखा कि जिससे नहीं मिलना है उसको अवॉइड करना है, उसको फेस नहीं करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, बच्चे के दिमाग में क्या एंटर हुआ सबकॉन्शियस माइंड में उसके, कि जो चीज आपको नहीं चाहिए वहां से आप हट जाओ, या आप सामने वाले को मना कर दो, उसको फेस मत करो, यही मतलब हुआ ना इसका। उसका सबकॉन्शियस लैंग्वेज तो उसने स्टोर करके बैठ गया बच्चा अपने, आगे जब भी उसके सामने इस टाइप की कोई सिचुएशन आएगी तो वो हर चीज को फेस करने से भागेगा, सिचुएशन को फेस नहीं करेगा, वो उसको झूठ बोल के टालने की कोशिश करेगा। सो अगेन, क्या मैटर किया सबसे पहले, क्या किस चीज ने मैटर किया, दैट वॉज द एनवायरमेंट। क्लियर? अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे अनवांटेड पैटर्न्स, ये एक अनवांटेड पैटर्न है जो हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, कि हमने तो कर दिया लेकिन हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते ये सब, है ना।
अब ये अनवांटेड पैटर्न्स जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने अपने अंदर स्टोर करके रखे हैं, उसको जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उस अनवांटेड पैटर्न को हमें डिलीट करना है। और एनएलपी ही एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें ये अनवांटेड पैटर्न्स डिलीट होकर न्यू पैटर्न्स फॉर्म किए जाते हैं, री इम्प्रिंट किए जाते हैं हमारे माइंड में। ग्रेट। धीरे धीरे सबके वीडियोस बंद हो रहे हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। मैं अभी लिखने को बोलूंगी तो अभी वापस सब आने वाले हैं। ये भी एक पता है आपको, जो मैं लिखने को आप लोगों को नोट्स लिखाऊंगी, क्योंकि पैटर्न मेरा यही है पढ़ाने का कि आप जितना लिखते हो ना उसका भी एक रीजन है एनएलपी में, मस्कुलर मेमोरी। सबने सुना है ना बच्चों को लिखवाया क्यों जाता है, ताकि यहाँ पर मेमोरी रहे आपकी, नींद में भी आप लिख सकते हो। और जितने मेरे लामा फेरा के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उन्हें अच्छे से पता है ये बात कि मैं कितना यूज करवाती हूँ उनको। पूरा ये जो सामने जो ब्लैक बोर्ड है ना, इतना बड़ा सा हमको ऑलरेडी नेचर ने दिया हुआ है, इसको यूज करना चाहिए। एक बहुत बड़ा जरिया है आपको अपने मेमोरी को करते रहना, उसको शफल करते रहना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड है आपके पास, एक चौक है, रेडीमेड चौक है, करते रहो। सो डू यूज दिस थिंग ऑल्सो, आप लिखने में यूज करें अभी, बाद में हवा में लिखें। चलिए, तो ये पार्ट आपको क्लियर हुआ है कि क्या चैलेंजेस होते हैं। बेसिकली कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के चैलेंजेस हैं। ओके, तो यहां तक तो अभी समझ आ गया कि हमें एनएलपी क्यों पढ़ना है। हमें अपने जो पुराने पैटर्न्स हैं उनको तोड़ने के लिए एनएलपी पढ़ना है, और नए पैटर्न्स डालने हैं ताकि हम अपनी जो आगे की लाइफ है उसमें जो जो हम अचीव करना चाहते थे वो बिना किसी जद्दोजहद के, मतलब ज्यादा तकलीफों से नहीं, बहुत इजी गोइंग वे में हम उन चीजों को अचीव कर सके। कुछ चीजें हैं जबरदस्ती हमने अपने आगे ही एक बैरियर्स लगा के रखे हैं, तो उन बैरियर्स को हम तोड़ेंगे इसमें। ओके।